अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन क्ला। आज मैं आपके साथ सुपर डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार करने लगी हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखना है तभी आप समझ पाएंगे कि ये फ़्रॉक हमने कैसे तैयार किया है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी जल्दी से कर दें ऑन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए और आपका तैयार होने वाला डिज़ाइन कोई और कॉपी ना कर सके। वीडियो को शेयर भी करना है, बोलिएगा मत, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ योक। ये जो मैं फ्रॉक तैयार करने वाली हूँ, ये एक दुपट्टे की, मैंने दुपट्टे को यूज़ करते हुए मैंने एक डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार किया है। और आपको पता है दुपट्टे के बॉर्डर पे चौड़ा बॉर्डर होता है, बीच में इस तरह के बारीक पट्टीदार बॉर्डर होता है, तो उसको सामने रखते हुए मैंने इस तरीके से इसकी कर ली थी योक। ये जो आपको वी शेप में नज़र आ रहा है, ये इसकी बैक है, और जो राउंड शेप में है वो इसकी फ्रंट है। वी शेप को ऊपर से 5 इंच के मार्जिन पे कटिंग करते हुए नीचे से मैंने इसको तिरछा काट लिया था दोनों साइड से, और स्टिचिंग का मार्जिन मैंने इसके बीच में ही रख दिया था। ये हमारी बैक नेक बनेगी वी शेप में, और ये जो ऊपर आपको दिखाई जा रही है ये राउंड शेप में, ये हमारी बन जाएगी फ्रंट नेक। आई नो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो हमारा फ्रंट है वो राउंड है, जो हमारा बैक है वो वी शेप में है और डीप है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जी, ऐसे हो सकता है, और ये आपको मैं करके दिखाऊंगी। आपने देखनी है मुकम्मल वीडियो तभी तो आपको समझ लगेगी ये माजरा क्या है। और जी, मैंने यहाँ पे पट्टियाँ तैयार करनी थी, मैंने इनको आयरन से इनकी जो तह थी वो बिठा ली थी। इनको मैं यूज़ करूँगी स्लीव्स बनाने के लिए। इस तरीके से अगर आप स्लीव्स बनाएंगे तो बहुत ही प्यारे बनेंगे, होंगे बिल्कुल सिंपल लेकिन इतने वो डिसेंट लगेंगे कि बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। और ये है जी हमारा बॉर्डर, दुपट्टे के साइड पे जो बॉर्डर होता है ये वो वाला बॉर्डर है। और आप मेज़रमेंट खुद ही कर सकते हैं कि एक बड़ा दुपट्टा कितने साइज़ का होता है, उस हिसाब से आपको उतना बॉर्डर भी मिल जाएगा। और आपने इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। इस बॉर्डर को मैं फ्रिल के नीचे बॉर्डर के तौर पर यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी इसको सिलाई कर लेना है। इसको सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो बॉर्डर को हमने नीचे से फोल्ड करना था उसका जो कपड़ा था वो थोड़ा सा कम था, मैंने अलग से कपड़ा लेकर, आप देख सकते हैं इतना चौड़ा कपड़ा है, इसको मैंने लेकर जितना मुझे बॉर्डर चाहिए था मैंने वहाँ पे रखा, और वहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं तुरपाई की मदद से नीचे की तरफ फोल्ड कर दूँगी, और उससे क्या होगा कि हमारा जो बॉर्डर है वो नीचे से थोड़ा हैवी भी रहेगा, अच्छा लगता है हैवी, और जो हमारी तुरपाई से उसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी आ जाएगी, और इजीली हमारा जो बॉर्डर है वो नीचे से फोल्ड हो जाएगा और जो सिलाई है वो भी हमारी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर आपके पास सिलाई के बाद पीस कम रह जाता है या सिलाई करने के लिए भी आपके पास पीस कम रह जाता है, आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें, उसको यहाँ पे अटैच करें और उसको ही नीचे की तरफ मोड़ दें। इससे ये होता है कि आपकी जो सिलाई है ना वो ख़राब नहीं होती। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो राउंड नेक था जो आपको मैं पहले शो करवा चुकी हूँ उसके ऊपर मैंने फ्रिल्स लगा ली है। जो बॉर्डर मैं आपको नीचे से फोल्ड करते हुए दिखा रही थी वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फ्रिल बनाकर इसकी नेक पे, और जिसके नीचे अलग से सेपरेट मैंने फैब्रिक लगाया था वो नीचे फ्रिल के नीचे बॉर्डर लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक किस तरीके से तैयार हुआ है। और जो पट्टियाँ मैंने आपको दिखाई थी जो मैंने आयरन की मदद से उसको सेट कर लिया था वो मैंने यहाँ पे इसके स्लीव्स पर यूज़ की हैं, और आप देख सकते हैं वो कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई हैं। और यहाँ पे मैं इनके फ्रंट एंड बैक जो शोल्डर्स हैं उनको ज्वाइन कर रही हूँ। इस तरीके से बाजू बनाए हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर या एक्स्ट्रा पाइपिंग लेकर या कोई भी लेस लेकर लगाने की पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसी तरीके से भी इसको एक एलिगेंट लुक दे सकते हैं। और जी, आपके सामने मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ शोल्डर्स। शोल्डर अटैच करने के बाद मैं दिखाऊँगी आपको इसका नेक्स्ट स्टेप। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी कर दिया करें। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने इस तरीके से मैंने इसकी फ्रिल बनानी है।
इसकी जो लेंथ है वो आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है, आपने छोटे रखने हैं या बड़े रखनी है। तो ये इसका आपको मैं बहुत क्लोज करके मैं आपको इसका बॉर्डर दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से इसके अंदर ही इसका ये एम्ब्रॉयडरी टाइप बना हुआ है। इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं एक बारी एक लाइन ऊपर है और नीचे ये हमारा जो चौड़ा बॉर्डर है वो नीचे की तरफ आ रहा है। आपको इसके ये बॉर्डर के जो नीचे वाला फैब्रिक नज़र आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम है। वो जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था वो मैंने इसी के नीचे ही लगाया था। इसको नीचे लगा के हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया, ऊपर हमने चुना डाल ली है और ये देखो हमने नीचे इस तरीके से उसको लगा के ना तो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और कितना वो चौड़ा फोल्ड हुआ है, मतलब कि हैवी हो गया नीचे से और बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग भी आई है। आपकी जो स्टिचिंग है आपके बॉर्डर के ऊपर नज़र भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी जो फ्रिल है वो तैयार कर लेनी है। ये फ्रिल जो मैंने तैयार की है इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 24 इंच है। ये मार्जिन मैंने आपको तैयार करके बताया है। आप अनस्टिच में हाफ मार्जिन या 1 इंच का मार्जिन आप दे सकती हैं, रख सकती हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमने अपना फ्रॉक जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने फ्रॉक की डिटेलिंग। और ये नेक पे जो मैंने इसकी फ्रिल लगाई थी उसके ऊपर भी मैंने पाइपिंग लगा ली है इसी फैब्रिक की, जो मैंने पट्टियाँ तैयार की थी जिनकी मैंने स्लीव्स बनाई थी उसी को यूज़ करते हुए मैंने नेक पे भी उसकी पाइपिंग लगा ली है। और आप देख सकते हैं ये पहना हुआ फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये फ्रॉक बनेगा बिल्कुल लाइट सा, दिखने में बिल्कुल लाइट सा लेकिन पहना हुआ बहुत ट्रेंडी लगता है। और ये देखें जी ये है बैक, बैक पे जो वी शेप थी ना वहाँ पे भी हमने इसको फ्रिल लगाई है और आगे मैंने इस तरीके से पाइपिंग लगा के, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का फैब्रिक लिया बिकॉज हमारे जो बॉर्डर में इस कलर का शेड है था तो उसको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर एक बटरफ्लाई टाइप की मैंने एक नोट बना दी है। तो हो गई ना आपकी कन्फ्यूज़न दूर। ये देखिए हमारा बैक नेक बहुत ही हसीन बनकर तैयार हुआ है, इसीलिए हमने बैक पे ये डीप नेक बनाया था और जो फ्रंट है वो हमने राउंड शेप रखी थी। ये फ्रॉक बहुत ही बनकर प्यारा तैयार हुआ है। आप ये ज़रूर बनाइएगा, ईद पे ज़रूर पहनाइएगा, अपनी इफ्तार पार्टी पे ज़रूर पहनाइएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।